हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक वॉल पेंटिंग। मैं अपने घर में नहीं, ये वॉल पेंटिंग जो है मैं अपने दोस्त के घर में बनाने वाला हूँ। वो मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई वॉल पेंटिंग बना दे बना दे, तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं। और वॉल पेंटिंग जो है मेरा दोस्तों फर्स्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने आज तक कभी वॉल पेंटिंग ट्राई नहीं किया है, तो ये पहली बार ट्राई करेंगे और देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। और जो वॉल पेंटिंग बनाने वाला हूँ वो कैप्टन अमेरिका का शील्ड का है, और उसमें थोड़ा 3D इफेक्ट देने का ट्राई करेंगे, देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और दोस्तों, वॉल पेंटिंग की बात करें जाए तो एक वॉल पेंटिंग का आउटलाइन जो है मैंने अपने घर में बना के रखा है, ये जिससे आप पीछे देख सकते हो विराट कोहली का पेंटिंग है। और इसका जो है आउटलाइन मैंने एक साल पहले ही बना के रख दिया था, लेकिन अभी तक मैंने इस पर काम शुरू नहीं किया है। तो वो वाला पहले बना लेते हैं और देखते हैं उसका रिजल्ट कैसा आता है। तो उसके बाद काफ़ी जल्दी इसका भी काम शुरू कर देंगे और इसका वीडियो बना के भी आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि कैसा बनता है ये वाला। तो ये वाला तो अभी टाइम है, इसे रहने देते हैं और वो वाला में काम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आउटलाइन बना के मैंने उस पर पहले व्हाइट कलर कर लिया था, और उसके ऊपर से फिर से मैंने एक बार आउटलाइन बना लिया है जिससे कि वो क्लियर हो जाए। तो इसमें अभी मैं कलरिंग शुरू कर रहा हूँ, और कलर में जो इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो है कैमलिन का फैब्रिक कलर, क्योंकि आप सभी को मार्केट में इजीली किसी भी दुकान में मिल जाएगा। इसका कॉस्ट है पर बोतल 20 रुपीज़। फैब्रिक कलर जो है वो है एक्रेलिक कलर ही होता है। वॉल में करने के लिए एक्रेलिक कलर सबसे बेस्ट होता है, तो एक्रेलिक कलर से शुरू कर रहे हैं। और इसमें मैं लेयर बाय लेयर वर्क करते जाऊँगा, और आप देखते रहो, तो टाइम लैप्स इन्जॉय करना। To hate and or show any fear, I've been flying from town to town. तो गाइस, पेंटिंग जो है वो हो चुका है कंप्लीट। कैसा लग रहा है आप सभी को यह पेंटिंग, हमें सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, पेंटिंग परफेक्ट नहीं है, इससे भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन फर्स्ट ट्राई के हिसाब से आई गेस काफ़ी ठीक है। मैं सेटिस्फाइड हूँ इस पेंटिंग से। अगली बार जब ट्राई करेंगे और भी ज़्यादा बनाने का
और भी ज़्यादा अच्छा बनाने का ट्राई करेंगे, इससे ज़्यादा रियलिस्टिक बनाएंगे और बढ़िया करने का ट्राई करेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक कमेंट भी कर देना कैसा लग रहा है आपको पेंटिंग। और अगर आपको ऐसी कंटेंट और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। और दोस्तों हम लोग 1K मार्क से काफ़ी क्लोज है, तो काफ़ी जल्दी 1K करा दो। होने के बाद और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।